आज तक 2002 से लेके हमने कई ट्रेनिंग ज्वाइंट की, आरपी का भी काम किया, ट्रेनिंग ली भी और ट्रेनिंग दी भी। वो ट्रेनिंग बोरिंग सी लगती थी, सबको ऐसा पता चलता था ये 3 दिन या 5 दिन या 10 दिन कैसे कटेंगे ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ आने के बाद पहले ही डॉक्टर श्री राम सर जो आए उन्होंने बताया, बाद में मनीष जैन साहब आए, रवि साहब आए, उन्होंने बताया कि पहले तो ये ट्रेनिंग है ही नहीं, ये एक अपना वर्कशॉप है। ऐसा पता चला कि यहाँ तो बुक्स तो है ही नहीं, यहाँ सिर्फ खिलौनों के साथ काम करना है। खिलौना मतलब साइंटिफिक खिलौना। मेरा ये टीचर लाइन में 28 ईयर का एक्सपीरियंस है। सभी आगे वाले की ट्रेनिंग की तरह सभी ऐसी ट्रेनिंग होती है, हम तो बुक्स वगैरह लेके आए थे। मैं मेरा 26 साल का सर्विस का जो साल हुआ, 26 साल के सर्विस के अंदर ऐसी ट्रेनिंग पहली बार मिली मेरे। और हम लोग हमारे साथ में जो टीचर थे 100 टीचर सबको, और सब भी इतना आनंदित थे कि ऐसी ट्रेनिंग बार बार आए। IIT गांधीनगर खाते मारे जवान थयो ત્યારે હું જ્યારે પહેલા દિવસે અહીંયા આવ્યો ત્યારે મને લાગ્યું કે ગણિત વિજ્ઞાનના વિષયની ટ્રેનિંગ હશે, પણ અહીંયા જ્યારે અંદર દાખલ થયો અને પહેલા જ દિવસે મને એટલો બધો આનંદ આવી ગયો, કારણ કે આ ટ્રેનિંગ જે છે એ બીજી બધી ટ્રેનિંગો કરતાં આવકે અલગ જ છે। કારણ કે હું લગભગ 12 વર્ષથી આ ટીચિંગ લાઇનમાં છું અને 10 થી 15 જેટલી ટ્રેનિંગો લીધેલી છે, પણ આ ટ્રેનિંગ જે છે એ બધા જ કરતાં અલગ પ્રકારની છે। ઓર મનીષ જૈન સર હોય ઓર શ્રી રામ સર હોય, ઉસે મેથેમેટિક્સ કે મોડેલ્સ केमिस्ट्री के कोई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे पेश किए कि हमको ऐसा लगा कि बच्चों को यही अच्छा एक तरीका है कि पढ़ाने का, जैसा हमने सोचा ही नहीं था ऐसा प्रैक्टिकल हमने यहाँ देखने मिले। देखो चौक एंड टॉक की थी, सब बोरिंग थी, लेकिन इस बार जब वहाँ आए तो आपने सब साइंस के खिलौने बनाए, अनपढ़ लोग भी खिलौने बना सकते थे, लेकिन आप में उसमें कौन सा साइंस का रूट्स रहा है वो फील करवाया। अभी ये ट्रेनिंग तो ऐसी रही कि किसी कोई जो ट्रेनी है उसने अभी पेन खोली नहीं है, उसका नोट्स का कागज का उपयोग भी नहीं किया है। और हमने घर जाके भी ये एक्सपेरिमेंट फिर से किया, हमको इससे एकदम फ्रीली एटमोसफियर दिया गया कि जिसको रहना है रहे, बाहर जाना है बाहर जाना है, लेकिन एक बंदा ऐसा नहीं था जो ऐसे ही बाहर चला जाए। और हमारे घर में भी जो बच्चे थे, हमारी सिस्टर मदर वो सब थे, उनको भी हमने ये बताया तो वो लोग भी बहुत खुश हो गए, बोले ये ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छी है, फिर क्या आप ये बच्चों को बताओगे? हमने बोला सही, हम यही बात हम बच्चों को बताएंगे। અને હું IIT ગાંધીનગરનો ખૂબ જ આભાર માનું છું કે જેથી આ મને ટ્રેનિંગ આપી, અને આવા જ પ્રકારની ટ્રેનિંગ દર વર્ષે ગોઠવાય, દરેક જિલ્લા માટે ગોઠવાય એવી હું આગ્રહભરી વિનંતી કરું છું।